खन्नाड़े की आवाज में बादल फिल्म का गाना है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। शायद जमाने में कुछ पल ऐसे आते हैं जब अगर आप दूसरों के लिए जी गए तो यकीन जाने आप तारीखों जमाने में सदैव याद रखे जाएंगे। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा से, जहां मंत्री गोपाल कृष्ण भार्गव ने एक परंपरा शुरू की थी कि वह दीपावली के अवसर पर गरीबों से दीपावली की सामग्री पहले खरीदते थे, फिर उस सामग्री को हाथ ठेले पर रखकर गड़ाकोटा में उन गरीबों को यह पूजन सामग्री और मिठाई देते थे जिनके पास दीपावली मनाने के लिए पैसे नहीं होते थे। इसे दोहरा लाभ गरीबों को होता था, जिसमें उन गरीब छोटे व्यापारियों का पहले सामान बिक जाता था, वही सामान अन्य गरीबों के काम आता था। यह काम हर वर्ष अभिषेक भार्गव किया करते थे, लेकिन इस साल उनकी बिटिया की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो दिल्ली में हैं और अपनी बिटिया का इलाज करवा रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में गड़ाकोटा में अब एक साथ कई भार्गव अचानक से जीवांत हो गए और दीपा दिनेश लहरिया जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो आगे आए। साथ में सभी पार्षदों ने सबसे पहले गरीब छोटे दुकानदारों से सामान खरीदा और फिर दीपावली की पूजन सामग्री के साथ मिठाई और अन्य आइटम उन गरीबों को गड़ाकोटा में दिए हैं जो मजबूरी लाचारी और गरीबी की वजह से दीपावली मनाने में असमर्थ हैं। कहते हैं जमाने में किसी नेता की बुराई करने की 100 बातें हो सकती हैं, उसे गिराने के 100 उपाय हो सकते हैं, लेकिन जब जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो लगता है कि जनता के गोपाल भार्गव की इन अच्छी अदाओं और परंपराओं से इस जमाने के नेताओं को कुछ सीखना चाहिए। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ गड़ाकोटा के नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षदों के साथ भार्गव की सोच को सलाम करते हैं और सभी प्रदेशवासियों गड़ाकोटा वासियों सागर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दीपू भैया प्रतिवर्ष कई वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, दिया वितरण एवं पूजन सामग्री वितरण करते आ रहे हैं। वो मीडिया की तबीयत खराब होने के कारण गड़ाकोटा में नहीं है, इसलिए हम सभी पार्षद एवं हमारे छोटे भाई कुश भार्गव के साथ मिलकर हरिजन बस्ती में और भी मोहल्लाओं में सामग्री वितरण कर रहे हैं हम लोग। जय गोपाल। दीपावली की हम सभी की ओर से हार्दिक सभी लोगों को शुभकामनाएं। आसू दबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ रैली।